जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है माही और मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि चल रहे हैं तो इसलिए फिर से हम आ गए हैं आपके पास एक नई रेसिपी लेके। नवरात्रि स्पेशल रेसिपी है ये। तो आज हम बनाने वाले हैं व्रत के लिए नाश्ता, जो की है बहुत ज्यादा हेल्दी एंड बहुत ही ज्यादा टेस्टी। चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स हम अपने व्रत के नाश्ते की सामग्री देख लेते हैं। ये मैंने एक बड़े से बाउल में मखाने लिए हुए हैं और ये मैंने आधा कटोरी काजू लिए हुए हैं और ये है हमारा सेंधा नमक और ये है घी। घी मैंने देसी घी लिया हुआ है। आप चाहें तो आप रिफाइंड ऑयल या फिर कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं जो आप व्रत में खाते हो। अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल देते हैं। जैसे घी हमारा गर्म हो जाता है हम इसमें काजू डाल देते हैं। काजू डालने के बाद आप इसको जल्दी जल्दी से चलाते हुए भून लीजिए। आपको इसको मीडियम आंच पर घुमाते हुए ही भूनना है। ये देखिए, ये हमारे काजू गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसको हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमारी कढ़ाई में लगभग 1 चम्मच घी है तो हम इसमें 2 चम्मच घी और डाल देते हैं। ये जैसे ही हमारा गर्म हो जाता है हम इसमें अपने मखाने डाल देते हैं। आप इसको अच्छे से चलाते हुए मीडियम आंच पे भून लीजिए। इसको भी हमें गोल्डन ब्राउन करना है जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे भूनकर रेडी हो चुके हैं। आप कोई भी मखाना उठा लीजिए और इस तरीके से तोड़ते रहिए। ये देखिए, ये आसानी से टूट जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे मखाने अच्छे से भून चुके हैं। चलिए इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमें एक बड़ा सा बर्तन ले लेना है और उसमें हम अपने मखाने डाल देंगे। फिर उसमें हम अपने काजू डाल देते हैं। फिर इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल दीजिए। अब मैंने इसमें आधा छोटा चम्मच डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार नमक कम या ज्यादा डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। बड़े क्या, बच्चे भी इसे बड़े प्यार से खाते हैं और ये जितना हेल्दी है उतना ही टेस्टी भी है। तो फ्रेंड्स, इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल कुकिंग लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।